हेलो एवरीवन, आज एक शॉर्ट वीडियो के साथ आपको काइनेमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स विद अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन रिटार्डेड विद बीटा एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज गिवन एस टी, फाइंड मैक्सिमम स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द होल मोशन। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, उस कॉन्सेप्ट की इस वीडियो में हम बात करते हैं। गिवन इज व्हाट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं, जब भी आपको मोशन एनालाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो रिप्रेजेंट दैट मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। राइट, जब हम किसी पाथ पे मोशन को इंडिकेट करते हैं तो ये सारा डेटा हमें एक साथ इसमें दिखाई देता है, सो दैट वी कैन इजीली अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन टू एनालाइज द मोशन, फर्स्ट थिंग। अब ये कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल्स टू जीरो, इट एक्सेलरेट्स। एक्सेलरेट होने का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेट होने का मीनिंग है कि इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो ये स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है फॉर सम टाइम से टी वन, हमें गिवन नहीं, हमें केवल कह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो हमने मान लिया टी वन टाइम के लिए इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। देन रिटार्डेशन स्टार्ट्स, जैसे ही रिटार्डेशन स्टार्ट होगा वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। So retardation we indicate by minus beta and the speed decreases for this part and finally comes to rest. V equals to zero. Let the motion takes place for time t2. इस part का जो time है वो t2 है। अब पहले यहां से speed बढ़ रही थी, फिर यहां से speed कम हो रही है, तो इसका मतलब V maximum होगा यहां पर। Right? अब देखो जो इसमें कहा गया है वो हमने इस पिक्चर में, इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। क्या कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, आप हमें उसे देखते हैं। तो इफ वी अप्लाई मोशन, इफ वी एनालाइज मोशन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज वी मैक्स, एक्सेलरेशन इज अल्फा, वी कैन अप्लाई वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड इट गिव्स V max, U is 0, A is alpha, T is T1. So V max is alpha T1. अब जो second part है जिसमें retardation है उसमें final speed 0 है, तो इस question की help से हम आपको एक concept बताते हैं, जब भी final speed 0 given हो तो हमें analysis में motion की direction को reverse कर लेना चाहिए। Means, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का मोशन नहीं देखना चाहिए, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का मोशन देखना चाहिए। ये पॉइंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का काम करने लगेगा, ये जो रिटार्डेशन था वो एक्सेलरेशन का काम करने लगेगा, टाइम सेम रहेगा और ये वी मैक्स वेलोसिटी का काम करने लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ वी अप्लाई इक्वेशन अगेन, वी मैक्स फाइनल स्पीड, यू बीटा टी टू, जब हम डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ये रिटार्डेशन की जगह एक्सेलरेशन का काम करने लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो टी टू इज वी मैक्स अपॉन बीटा, टी वन इज वी मैक्स अपॉन अल्फा। नाउ In the question, it is given that total time of motion is T. So, T1 plus T2 is T. Easily we can solve now. V max upon alpha plus V max upon beta equals to T. So, V max is alpha beta upon alpha plus beta into T. So, देखिए एक छोटे से पार्ट में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमने इंडिकेट किए,
कि जब भी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एनालाइज करना चाहिए। जब मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एनालाइज करेंगे तो जो भी क्वांटिटी है उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस बीटा प्लस बीटा में चेंज हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी और इजीली वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हमसे पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट का डिस्प्लेसमेंट एस वन यू इज जीरो, सो हाफ एल्फा टी वन स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट एस टू, ये भी रिवर्स में एनालाइज कर रहे हैं। अब आपको एडवांटेज पता लगेगी क्योंकि रिवर्स में यू जीरो है, अगर ये सर एनालाइज करेंगे तो यू नॉन जीरो है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो रिवर्स में यू जीरो बीटा पॉजिटिव टी टू स्क्वायर, राइट, बीटा पॉजिटिव तो टी टू स्क्वायर। नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट एस इज एस वन प्लस एस टू, नेट डिस्प्लेसमेंट एस इज एस वन प्लस एस टू। अब हमें फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी, तो वी कैन यूज दैट इक्वेशन। टी वन है यार टू एस वन अपॉन एल्फा विद इन रूट एंड दिस वन टू एस टू अपॉन बीटा विद इन रूट टी, दिस वन, राइट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एल्फा एस वन। इस साइड से देखेंगे तो वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बीटा एस टू, एस वन इज वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू एल्फा, एस टू इज वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू बीटा। नेट डिस्प्लेसमेंट एस इज एस वन प्लस एस टू, राइट, एस वन प्लस एस टू दोनों एड करेंगे तो वी मैक्स स्क्वायर कॉमन टू कॉमन, तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वी मैक्स, वी गेट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी भी मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में एनालाइज करने पर हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन इजी हो जाती हैं और हम क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। फिर मिलेंगे एक और शॉर्ट वीडियो के साथ एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।